सुप्रभात बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि संज्ञा को सीखा था, संज्ञा के प्रकार को। ठीक है, आज हम सीखेंगे क्या है वर्णों को चित्र से मिलाइए। यानी कि एक मिडल वर्ण रहते, वर्ण मीन्स अक्षर, शब्द अक्षर रहते हैं, एक एक सिंगल वर्ड रहते हैं, और इस तरफ भी चित्र रहते हैं और इस तरफ भी चित्र रहते हैं, उनको आपको मैच कराना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको चित्र निकाल कर एक दो दिखाऊंगी, उस तरीके से आपको नया वाला बनाकर आपको घर में अपने क्लास वर्क में बनाना है। ठीक है, ये हो गए वर्णों को चित्रों से मिलाइए। क्या करना है, वर्ण यानी कि क्या है, ये जो है वर्ण है, ठीक है, और चित्र यानी कि ये है। ठीक है, इनको आपको मिलाकर लिखना है, मैच द पिक्चर्स और मैच द वर्ड्स। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ढूंढ कर आपको एक दो एक्सरसाइज दिखाऊंगी, उस तरीके से आपको घर में भी उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ये देखिए, प प पहला अक्षर क्या है, प से क्या स्टार्ट होता है, प से पहला अक्षर कौन सा होता है, प, पतंग। पतंग कहाँ पे है, तो यहाँ पे है पतंग। ठीक है, प पतंग। उसके बाद दूसरा अक्षर आता है कौन सा, झ। झ से क्या होता है, कौन सा शब्द, झ से झ झरना। झ झरना कहाँ पे है, यहाँ पे इस तरफ है क्या, देखिए झरना नहीं है, तो यहाँ पे देखिए झरना कहाँ पे है, यहाँ पे है झ झरना, तो ये है, इसको मैच होता है। ठीक है, अभी जो है तीसरा वाला शब्द है घ। घ से क्या आता है, घ से क्या आता है, घ माफ कीजिए, ध है, ये घ। घ से क्या आता है, घ से घर। ठीक है, घ से घर। उसके बाद क्या है, छोटा वाला ग। ग से क्या आता है, ग से गिलहरी, स्क्विरल। स्क्विरल कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे स्क्विरल दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस दिस इज अ स्क्विरल, ग गिलहरी। ठीक है, इसके बाद न। न से क्या स्टार्ट होता है, न, नल, तो नल कहाँ है, यहाँ दिख रहा है नल। ठीक है, ग हो गया, न हो गया, अभी आ रहा है ज। ज से जहाज, ज से जहाज। उसके बाद क्या है, ब से बत्तक, ब से बत्तक। उसके बाद ड। ड से डमरू, डमरू यहाँ पे ही है। ठीक है, सो अभी कौन सा शब्द रह गया, छ। छ से, छ से छतरी, छ से छतरी हो गया। उसके बाद है स। स से, स से क्या आता है, स से संतरा, स से संतरा। ठीक है, उसके बाद ध। ध से धनुष, ये देखिए ध से धनुष। उसके बाद क। क से, क से कमल। उसके बाद त से तरबूज, वाटरमेलन। उसके बाद फ से फल। ये हो गए मैच द पिक्चर विथ वर्ड्स, वर्णों को चित्रों से मिलाइए। ये हो गया आज का एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको ऐसा वाला सिखाया, एग्जाम के लिए मैंने आपको अभी दिखाया है। तो इसीलिए अभी आपको ऐसे ही एक सेम चित्र, अलग अलग नाम के अलग अलग चित्र बनाकर, अलग अक्षर वर्ण लिखकर उसको जोड़ना है। ठीक है, ये रहा आपका आज का होमवर्क। आपको
अभी आपको इसके आगे क्या करना है, अपना किताब जो है हिंदी का उसका पन्ना नंबर 11 पेज नंबर 11 ऊपर वहाँ पे अभ्यास करके लिखा है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ जोड़कर लिखिए करके दिया गया है, वो जोड़कर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है वर्ण को, चित्र को देखकर शब्द लिखिए, चित्र को देखकर आपको क्या लिखना है, शब्द लिखने हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अम्ब्रेला करके चित्र निकालूंगी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका नाम लिखना है। यहाँ पे मैं धनुष का चित्र निकालूंगी, यहाँ पे मैं धनुष करके लिखूंगी, और यहाँ पे मैं सेब का चित्र निकालूंगी और यहाँ पे सेब करके लिखूंगी। उसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि चित्र देखकर शब्द लिखिए, वहाँ पे पहला वाला जो है वो चित्र सहित है उसको ऑरेंज कलर, ऑरेंज कहते हैं। सेकेंड वन जो है उसे कलश कहते हैं। तीसरा वाला जो है उसे पीनट्स, इन इंग्लिश में कॉल्ड पीनट्स, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो मटर, इंग्लिश में क्या आते हैं, पीनट्स और मटर कहते हैं, वो हिंदी में क्या कहते हैं उसका, ये लिखिए अर्थ। और चौथा वाला जो है वो है बानियन ट्री, बानियन ट्री को क्या कहते हैं वो हिंदी में आप लिखिए। उसके बाद है जैक फ्रूट, उसके बाद है हॉल, व्हाट वी कॉल्ड, उसके बाद है बस, उसको क्या कहते हैं करके हम आपको लिख कर उसके आगे ही लिख कर आपको रखना है। मैं भी आपको एक दो एग्जांपल दिखाऊंगी कि कैसे लिखना है करके, ठीक है। यहाँ देखिए चित्र, ठीक है, यहाँ है जो है चित्र देखकर नाम लिखना है। यहाँ पे मैं अभी मुझे यहाँ दिख रहा है सेब, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेब, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मैंगो है, मैंगो आम, उसके बाद क्या है, ये स्पेक्ट, स्पेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एनक, एनक, ठीक है। उसी तरीके से आपको भी पेज नंबर 11 पे लिखा दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम दूसरा कुछ और नया सीखेंगे। धन्यवाद।